तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बनने वाले रिसेंटली तीन हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में। वैसे फ्यूचर की बात करें 2030 की तो भारत में तीन नहीं बल्कि काफी सारे हाई स्पीड कॉरिडोर बनने वाले हैं। और रिसेंटली बात करें तो भारत में तीन हाई स्पीड कॉरिडोर पर काम चल रहा है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही देखेंगे इन हाई स्पीड कॉरिडोर पर कौन सी नई अपडेट निकल कर आई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की फर्स्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बारे में, मुंबई टू अहमदाबाद। तो इस पर एक काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आई है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि इस कॉरिडोर का जो काम है वो काफ़ी तेजी से चल रहा है, तो अब यहाँ पर NHSRCL ने पहला फुल स्पैन बॉक्स गटर बनाकर तैयार कर लिया है, जिसका वेट लगभग 970 मिलियन टन तक का है। और ये गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट के एक कास्टिंग यार्ड में 40 मीटर स्पैन का पहला फुल स्पैन प्री स्ट्रेस कंक्रीट से बना बॉक्स गटर को बनाकर तैयार कर लिया है। भारत की फर्स्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन में और भी तेजी लाने के लिए भारत में ही हैवी मशीनों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। साथ ही जापान की गवर्नमेंट भी भारत को पूरा सपोर्ट कर रही है इस कॉरिडोर को पूरा करने के लिए। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मुंबई टू अहमदाबाद ये कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है। इस बीच टोटल 12 स्टेशन होंगे और इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब बात करते हैं भारत की सेकंड हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के बारे में। मुंबई टू नागपुर भारत की सेकंड हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, जिसका DPR बनाकर तैयार कर लिया है। और ये हाई स्पीड कॉरिडोर 766 किलोमीटर लंबा है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस कॉरिडोर के लिए लिडार सर्वे, एरियल सर्वे, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन्हें पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, मतलब इनका सर्वे हो चुका है। और ये जो बुलेट ट्रेन है वो 10 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगी। साथ ही यहाँ पर ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है मुंबई टू नागपुर, तो इसी के पैरेलल ये बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। और अब बात करते हैं भारत की थर्ड हाई स्पीड कॉरिडोर की, वाराणसी से नई दिल्ली। तो इस प्रोजेक्ट का जो DPR है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है यह हाई स्पीड कॉरिडोर 958 किलोमीटर लंबा होगा। साथ ही इस कॉरिडोर का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर एविएटर या फिर टनल्स के बीच होकर ही निकाला जाएगा। इस कॉरिडोर के बीच टोटल 12 स्टेशन होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस कॉरिडोर की ये है कि ये जो प्रमुख रिलीजियस प्लेसेस हैं जैसे मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी, और भी कई सारे धार्मिक प्लेसेस से होकर ये बुलेट ट्रेन गुजरेगी। वैसे इस कॉरिडोर की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 2.28 लाख करोड़ की। और DPR के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये कॉरिडोर 2029-30 तक इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। वैसे फ्रेंड्स, जापान के पास तो बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी का तो भंडार है ही, और जापान पूरा सहयोग दे रहा है बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन में, और NHSRCL भी अपने काम में और तेजी ला रही है। और अगर इसी तेजी से काम चलता रहा तो भारत में तीन हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन जल्द ही कंप्लीट होते नजर आएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए।